टॉपिक बहुत पुराना है बट हमारे कोर्स में नहीं था, वो है रिटन ऑफ या राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्या है वो टॉपिक, किस तरीके से किया जाता है, सिंपल सोबर सा है, यहां पे कुछ एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात तो गाइस ये हमने ये पढ़ा था कि भाई जो डिबेंचर्स हैं वो पार पे इश्यू होते हैं या प्रीमियम पे इश्यू होते हैं या डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं। यहां हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ डिस्काउंट वाले। दो केसेस हैं, पहला तो ये कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू करते टाइम जो डिस्काउंट दिया गया। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि भाई जब रिडेम्पशन पे प्रीमियम होता है तो डेबिट साइड में लॉस ऑन इश्यू नाम का आता है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू या लॉस ऑन इश्यू दोनों का एक ही ट्रीटमेंट हमें यहां पे करना है। क्या ट्रीटमेंट होगा वो यहां ध्यान से समझो। पहले मैं एंट्री देता हूं भाई, डिस्काउंट वाली की एंट्री क्या होती है, पहले होती है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन लॉस, डिस्काउंट ऑन इश्यू टू डैश परसेंट डिबेंचर। ठीक है, इस तरीके की आपकी कुछ एंट्रियां होती है। और अगर जो रिडेम्पशन है वो प्रीमियम पे होने वाला है तो इस तरफ आता है लॉस ऑन इश्यू और इस तरफ आता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये हमने पुरानी वीडियो में देखा था, अभी हम इसको हटाते हैं और सिर्फ इसकी बात करते हैं, किसकी, डिस्काउंट ऑन इश्यू। अगर लॉस आएगा तो वो भी हम इसी तरीके से करेंगे, यानी रिडेम्पशन पे प्रीमियम होगा तो भी इसी तरीके से होगा। अब एक चीज ध्यान समझो, हम मानते हैं कि भाई कंपनी ने 90,000 में बेचे डिबेंचर जिनकी कीमत थी 1,00,000, यानी कि कंपनी को हो गया 10,000 रुपए का नुकसान। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे हम नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन ले लूंगा बट ज्यादा इसमें माथा मारने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो क्या होता है, अब जो ये 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है कंपनी को, कंपनी क्या करेगी, इस लॉस को एलिमिनेट करेगी, यानी कि रिटर्न ऑफ करेगी, यानी कि इस लॉस से बचेगी। या फिर हम इस तरीके से बोले कि कंपनी क्या करेगी, इस लॉस को जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करेगी। अब इस लॉस को वो भरेगी कहां से, तो इस लॉस को भरने के दो तरीके हैं। पहला, हमने जो एक्स्ट्रा पैसा लिया था कभी विद द नेम ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम उस रिजर्व के एक्स्ट्रा पैसे से इस लॉस के जो कंपनसेट कर दिया जाए, यानी कि अगर एसपीआर 50,000 रुपए का है तो 10,000 रुपए डिस्काउंट वाले सेटल हो गए। ठीक है, और अगर एसपीआर कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस में कंपनी क्या करती है, इस डिस्काउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए यूज करती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइल अकाउंट पे इसको ट्रांसफर कर देती है। अब यह ध्यान समझना, ये जो लॉस है जिसको हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं यानी कि खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे एलिमिनेट करते जा रहे हैं, वो कंपनी दो तरीके से करेगी, या तो पहले साल ही सारा का सारा लॉस इकट्ठा क्या करेगी, एसपीआर से कैंसिल कर देगी या सारा का सारा फाइनल अकाउंट में शो कर देगी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि कंपनी जैसे मान लो 5 साल है, ठीक है, तो 5 साल इस 10,000 रुपए को तोड़ देगी 5 टुकड़ों में। किस तरीके से तोड़ेगी, कंपनी तोड़ेगी हर साल 2,000 भाई, 10,000 रुपए का जो लॉस है 5 साल तक के डिबेंचर है, 5 साल बाद डिबेंचर रिडीम होने वाला है, तो इन 5 सालों के अंदर कंपनी को ये 10,000 रुपए का जो लॉस है उसको खत्म करना है किसी भी तरीके से। अब दो तरीके हैं, या तो वो पहले साल ही खत्म कर दे, सारा का सारा लॉस में दिखा दे अपने फाइनल अकाउंट में खत्म करे अपना, या फिर हर साल थोड़ा थोड़ा सा लॉस दिखाए। तो भाई अगर मान लो 10,000 रुपए का डिस्काउंट था तो 5 साल यानी कि हर साल कंपनी क्या करेगी, 2,000 रुपए का लॉस दिखाएगी, किस नाम से, डिस्काउंट ऑन इश्यू, कहां दिखाएगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, या फिर अगर उसके पास एसपीआर पड़ा हुआ है तो वो एसपीआर में से माइनस कर देगी हर साल 2,000 रुपए किसके, रिटर्न ऑफ करने के। ठीक है, दो मेथड यूज करें हमने, पहला कि कंपनी पूरे 10,000 रुपए ये पहले ही साल में दिखा के नक्की करेगी, या फिर जितने साल तक वो डिबेंचर चलने वाले हैं उतने साल में हर साल कुछ कुछ अमाउंट क्या करेगी, वो पेकती रहेगी। हमने आ गया, चलो एंट्री देखो,
जनरेटिव किस तरीके से होती है इसकी, सिंपल है यार, इसका हम डेबिट हुआ है तो जब उसको रिटर्न ऑफ करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी, टू साइड आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर प्रीमियम वाला लॉस है तो वो भी इसी तरीके से आएगा, ठीक है, रिडक्शन पे अगर प्रीमियम है तो। और डेबिट में क्या हो जाएगा, या तो तुम्हारा एसपीआर या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएंड, दोनों में से जहां पे भी फंड अवेलेबल होगा वहां से कंपनी क्या करेगी, इसको खत्म कर देगी। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो हम एसपीआर से नहीं स्टेटमेंट ऑफ पीएंडएल से ही करेंगे। तो एंट्री क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएंडएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। कितने से, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पहले साल में ही खत्म करना है तो पूरे 10,000 से हो जाएगा, वरना ये एंट्री 5 साल तक चलेगी, कितने कितने रुपए से, हर साल 2,000 रुपए से ये एंट्री को चलाना पड़ेगा। समझ में आ गया, सिंपल था। इस तरीके के क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है गाइस। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर आप 1 साल में एंट्री करते हो तो पूरे 10,000 से करनी है, और अगर 5 साल तक कर रहे हो या बोला गया है कि भाई इवनली आपको 5 साल तक डिबेंचर रिडीम करने हैं तो इस तरीके से होगी। आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं उसको समझा देता हूँ, क्वेश्चन नहीं करा रहा। क्वेश्चन ऐसा है कि मिस तरीके क्वेश्चन है कि भाई कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करे, ठीक है, 1,000 क्वेश्चन बनाते हैं। The company issued 1,000 debentures at the rate 100 each, less 10% discount. ठीक है, you are required to written off the discount on issue of debentures. आपको क्या करना है, written off debenture क्या करना है, खत्म करना है debentures को, debentures का जो discount है उसको written off करना है, ठीक है। इस तरीके से होगी, देखो पहली issue की entry तो अपनी यही है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि इवनली फॉर 5 years तो अपन 5 साल तक क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि भाई 5 साल बाद रिडीम होंगे, 3 साल बाद रिडीम होंगे, तो हम एक ही साल में एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या होगी, अगर एसपीआर में पैसा पड़ा है तो एसपीआर से करो, नहीं पड़ा तो कहां से, स्टेटमेंट ऑफ पीएंडएल से करो, ठीक है। अगर 1 साल करना है एक बारी में तो पूरा 10,000 यहां आ जाएगा, बोला है 5 साल के डिबेंचर तो 2,000 करके 5 बार ये एंट्री हो जाएगी, बस तारीख बदल जाएगी, ठीक है। हर साल के एंड में तो हर साल की एंडिंग की तारीख बदल जाएगी सब में, बाकी कोई भी चेंज नहीं। समझ में आ गया। कभी कभी आपसे बोलते हैं कि भाई इसका वो बनाओ अकाउंट, तो डरने की बात नहीं है, यहां अकाउंट देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। देखो अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं, सबसे पहले यहां एंट्री है, किस तरफ लिखा हुआ है, डेबिट साइड, तो यहां आ जाएगा 2, नाम पलट जाएगा ये 9% डिबेंचर, कितने के, 10,000। अब हर साल कितना कितना गायब करना है, मानो 5 साल है 2,000 गायब करना है, तो यहां आ जाएगा पहले साल बाय, कहां गायब किया, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में गायब किया 2,000, ठीक है। फिर पहले साल का बैलेंस निकाला, आ गया 8,000, ये बैलेंस फिर यहां ट्रांसफर हुआ टू बैलेंस बीडी, फिर वापिस अगले साल वही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल करके फिर 2,000, फिर अगले साल वही, ऐसे करके 5 साल बाद क्या होगा, ये डिबेंचर का जो डिस्काउंट है वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाएगा, यानी कंपनी ने वो जो डिस्काउंट था वो शो कर दिया है, उसका कोई भी एडजस्टमेंट अब नहीं बचा है। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे समझो, एक चीज और रह जाती है इसमें, वैसे ये वाला टॉपिक हमारा ज्यादा काम का नहीं है, छोटा मोटा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए हमने टॉपिक चलाया। एक चीज लास्ट और रह जाती है, समझना इसको, आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, वो बताता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 34 बोलो, या फिर मैं कहूं कि एक पेज नंबर 8.38 पे आप देखोगे, पेज नंबर 8.38 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उस पे कुछ टर्म्स दे रखी है। सबसे पहला है रिटर्न ऑफ डिबेंचर व्हेन डिबेंचर आर रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट। ये वाला जो टॉपिक है ये एक छोटा सा 4-6 लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, और पूरी बुक में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन इस टॉपिक का और कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। एक बार उसको देखो, हम यहां उस एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से कोशिश करते हैं कि हम एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ इन प्रपोर्शन टू द डिबेंचर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि भाई 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, ठीक है,
अब पहले साल 5000 के डिबेंचर रिडीम करने, दूसरे साल 50000 के डिबेंचर रिडीम करने, तीसरे साल 45000 के डिबेंचर रिडीम करने, ठीक है। तीन साल अलग अलग अमाउंट है, ऐसा नहीं है कि भाई 5 साल बाद इकट्ठे करना है, एक साल बाद ये, दूसरे साल बाद ये, तीसरे साल। तो हम क्या करेंगे, जिस साल जो डिबेंचर रिडीम होने वाला है उस डिबेंचर का डिस्काउंट का अमाउंट अभी रिडीम कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोला गया है कि कंपनी ने टोटल डिस्काउंट दिया है 40000 का, कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया है 40000 का, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहां पे, 10000 डिबेंचर कंपनी को रिडीम करने, यानी कि इन शॉर्ट माने तो 10000 डिबेंचर पे 40000 रुपए का डिस्काउंट है, 10000 डिबेंचर पे 40000 रुपए का डिस्काउंट है, यानी कि पर डिबेंचर कितने रुपए का डिस्काउंट आ गया, पर डिवेंचर कितने रुपए का डिस्काउंट आ गया, 4 रुपए का, ठीक है। कैसे डिवाइड किया, 40000 डिवाइड बाय 10000, यानी पर डिवेंचर 4 रुपए का डिस्काउंट है। अब भाई पहले साल कितने डिवेंचर रिडीम करने हैं, 2000, पहले साल कितने डिवेंचर रिडीम करने हैं, 2000। तो पहले साल जो हमारी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पिगेंडल 2, क्या नाम है, डिस्काउंट ऑन इशू, कितना आएगा, 2000 डिवेंचर रिडीम करने हैं, तो उनका कितना डिस्काउंट मैं रिटर्न ऑफ करूं, यानी कि जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उन डिबेंचर का, जो डिबेंचर वापस देने वाला हूं, वापस देने से पहले उन डिबेंचर पे जो डिस्काउंट लगा था वो डिस्काउंट मैं काट दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो कितना डिबेंचर खत्म करना है, 2000 डिबेंचर पहले साल रिडीम हो रहे हैं, हर डिबेंचर के कितने रुपए हैं, 4, यानी पहले साल 8000 रुपए का डिस्काउंट मैं क्या करूंगा, पीएनएल में डाल दूंगा। कैसे निकाला, 2000 डिबेंचर रिडीम हो रहे, हर डिबेंचर के 4 रुपए यहां पे बताए गए हैं, ठीक है ना। 40000 का टोटल डिस्काउंट है 10000 डिबेंचर पे, तो 4 रुपए फर्क, ठीक है। अगले साल 3000 रुपए के डिबेंचर रिडीम हो रहे, तो अगले साल एंट्री क्या बन जाएगी, 3000 × 4 = 12। अगले साल 5000 डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो अगले साल बन जाएगी 5000 × 4 = 20000, ठीक है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी तरीके के हैं, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से ये कराया जाता है। तो क्या होगी एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 2, डिस्काउंट ऑन इशू। अगर लॉस ऑन रिडेम्पशन वाला आ जाता है तो यहां पे डिस्काउंट की जगह क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू। बाकी टॉपिक बिल्कुल सेम है, मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी अलग अलग डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, कि भाई पहले साल 2000 हो रहे हैं, दूसरे साल 3000 हो रहे हैं, तीसरे साल 5000 हो रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, पर डिबेंचर कितने रुपए का डिस्काउंट है ये निकाल, ठीक है। और जिस साल जितने डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं उतना डिस्काउंट उससे पहले पहले हटाते जाओ। याद रखने वाली बात क्या है कि भाई जो डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, जैसे आज रिडीम हो रहे हैं, तो आज से पहले ही उसका जितना भी डिस्काउंट है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि रिडेम्पशन के बाद हम डिस्काउंट काट रहे हैं, जो डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं उनका डिस्काउंट पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए पहले साल हमने 8000 का खत्म करा, अगले साल 12 और अगले साल 20000 का खत्म करके इस डिबेंचर को खत्म, ठीक है। छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक था, इसलिए ज्यादा मथा नहीं मारा है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हमारी वेबसाइट आपको पता है लॉन्च हो गई विद द नेम ऑफ www.soulstruggler.com, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।